जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। और आज जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट निकल के आ रही है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिहार टेक्निकल ग्रेड के ऊपर निकल के आ रही है। बिहार बिजली विभाग में वैकेंसीज आई हुई है, शानदार वैकेंसी रहने वाली है। इस वीडियो में हम फुल डिटेल से जानने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं, तो पूरा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वैकेंसीज आई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी LTD की तरफ से निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में वैकेंसीज आई हुई है। अदर काफ़ी सारी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेड थर्ड एंड अदर वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। ये शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन होने वाला है जिसकी मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें है आपका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो 20/6/2024 यानी आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इसके जो फॉर्म है लास्ट अगले एक महीने तक के फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं, ठीक है। 19/7/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी इसका जो है एग्ज़ाम डेट था वो मई और जून में होने वाला था, बट एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू इलेक्शन की वजह से, एंड इसके फॉर्म भी जो थे वो चौथे यानी अप्रैल में भरने जाने थे, अप्रैल में भरे जाने थे, जो कि अब एक्सटेंड करके रिवाइज कर दिया गया है इसकी डेट को, जो कि 20 यानी जून कर दिया गया है। जून में फॉर्म भरने जा रहे हैं, इसके जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से अक्टूबर में इसके कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आप सभी को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये शॉर्ट नोटिफिकेशन इसलिए बनाया क्योंकि जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट की अलग अलग नोटिफिकेशन आई हुई थी, ठीक है। तो मैंने कंबाइन करके जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने एक PDF में बना के आप सभी को वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की फॉर्म की बात कर लें यहाँ पे जनरल बैकवर्ड क्लास एंड EBC के लिए जो है 1500 रुपये फॉर्म फीस लग रहे हैं, साथ ही में SC ST के लिए 375 रुपये फॉर्म फीस लग रहे हैं। एंड यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ और, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अदर बिहार के अलावा दूसरे स्टेट से आप अप्लाई करते हो और आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो बिहार के अंदर आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आपका जो है SC ST में काउंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्म फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, कहाँ से एक बेरोजगार युवा इतनी फॉर्म फीस लेके आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या बोले बिहार सरकार को, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फीस है, ठीक है। बाकी आप फॉर्म फीस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पे कीजिएगा ताकि कोई भी आपसे धोखाधड़ी ना हो। एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें जो है मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो कि ग्रेड सेकेंड में आता है, एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, एंड मिनिमम एज जो है 21 वर्ष रखी गई है अदर पोस्ट के लिए, एंड मैक्सिमम जो है 37 वर्ष तक के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 से 37 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी से होंगे उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। टोटल जो वैकेंसीज रखी गई है यहाँ पे 2610 वैकेंसी रखी गई है, जो कि अलग अलग पोस्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम सभी देख लेते हैं जो पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज है, जिसमें 2000 वैकेंसीज रखी गई है टोटल। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्लास 10 पास आउट, साथ ही में ITI सर्टिफिकेट्स जिसके पास होगा इलेक्ट्रिकल ट्रेड से वो इसमें अप्लाई कर सकता है। केवल ITI इसमें मांगा गया है, अगर आपके पास BTEC या डिप्लोमा है तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल इसमें ITI कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए जो वैकेंसी 300 रखी गई है, 300 वैकेंसीज रखी गई है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, बैचलर डिग्री जिन्होंने BCOM से कर रखी है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड जो स्टोर
असिस्टेंट की वैकेंसीज है, यानी 150+80 वैकेंसीज है। इसमें केवल और केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पास कर रखा है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नहीं मांगी गई है। तो मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगे इन्हीं फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, इन्हीं वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे, तो इन वैकेंसीज को जरूर फिलअप कीजिएगा। बाकी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE JTO की जो वैकेंसी 40 वैकेंसी रखी गई है, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कंडक्ट हुआ, पास आउट हुआ होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी दूसरा जो है असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर GTO की वैकेंसी है, 40 वैकेंसी रखी गई है। इसमें BE BTech डिग्री इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक से पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें भी एक क्राइटेरिया है, जिन कैटेगरी UR कैंडिडेट्स का 60% है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। BC या EBC के लिए 55% मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है, एंड SC ST के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। बाकी जो इसमें वैकेंसी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो, कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस पोस्ट में डिवाइडेड है, EWS, UR, SC ST, BC सभी के लिए देख सकते हो आप सभी, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात कर लें, यहाँ पे जो टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट का इसमें रहने वाला है 50 मार्क्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहने वाले 50 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, GK GS के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के जो है 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और केवल एक ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। और बाकी जो दो पोस्ट हैं, कोऑर्डिनेट असिस्टेंट वाला और स्टोर असिस्टेंट वाला, क्लर्क और असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए केवल इसमें आपसे यही कंप्यूटर, GK GS, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे एंड 20-20 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा एंड 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको 90 मिनट का समय भी दिया जाएगा इस एग्जाम्स में, 90 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्स रहने वाला है। एक ही एग्ज़ाम्स होगा, सिंगल एग्ज़ाम्स होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। केवल आपको एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है एंड उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसके बाद आपका फाइनल जो भी मेरिट क्लियर करेगा, मेरिट को पास आउट करेगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। बाकी इलेक्ट्रिशियन की जो है सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, पूरा आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड इस चैनल पर आप कंटिन्यूस लगातार गवर्नमेंट जॉब के एंड प्राइवेट जॉब की वीडियोस लगातार आने वाली है, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।